ये वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्या पता कल 10 से 15 क्वेश्चन यहीं से फंस जाए। और ना केवल आप देखिए बल्कि अपने दोस्त को भी तुरंत शेयर कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो आप पूरा देख लीजिए और कमेंट करिएगा, तो इस तरह से का वीडियोस और बना दिया जाएगा चलते चलते। इस वीडियो में मैं समझाऊंगा नहीं, केवल आपको प्रश्न जो दूंगा उसी को आपको तैयार करना है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आप पहले हमारे बुलेट सीरीज में देख भी चुके हैं। तो ये जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छे होंगे क्वेश्चन, और साथ ही साथ आपके लिए आपके जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं उसमें भी हेल्प करेंगे। तो आइए अब जल्दी से इन क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। जैसे यहाँ पर पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, तो कमल एवं सांड, ठीक है। गृह त्याग का प्रतीक कई बार मैंने देखा पूछा गया घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक पीपल, बोधि वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु स्तूप, ठीक है। तो मैंने इसमें तो पढ़कर सुना है, बाकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से क्लियर करिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जैसे गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो महाविनिष्क्रमण, ठीक है, ये कहलाती। ज्ञान प्राप्त करने की घटना बुद्ध कहलाती। उसका अर्थ यहाँ पर जो है दिया गया, अगर पूछ लिया तो आप वहाँ पर अपना टिक करिएगा। अमीर खुसरो, देखो मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने उसी चीज़ को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। अमीर खुसरो को, खुसरो से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे इनका उपनाम तूतीय हिंद या फिर भारत का तोता था, तो ये सब भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ध्यान दीजिएगा। फिर कुछ प्रमुख सूफी संतों के जो हैं यहाँ पर संस्थापक के नाम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ डिटेल में पूरा यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया, आप इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बाबर द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, तो ये आपको यहाँ पर जो है आपको इसको भी क्लियर कर लेना चाहिए। और कौन कौन विजयी हुआ, तो सारे युद्धों में बाबर ही विजयी हुआ है, ठीक है, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। आगे चलेंगे, अकबर के दरबार के 9 रत्न की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर उनके नाम याद कर लीजिए, आपके इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया तो आप वहाँ कर सकते हैं। उसके बाद अंग्रेज और मराठों के बीच प्रमुख संधियाँ जो हुई हैं या फिर युद्ध कह लीजिए, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। प्रथम आंगला युद्ध, सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि, इस तरह से आप इनको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि मैंने कई बार यहाँ पर इतिहास के प्रश्नों में जो मॉडल पेपर थे उसमें देखे थे, तो ये मैंने इसको भी यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया। उसके बाद जो है नारे, जैसे इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया, तो नाम भगत सिंह, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो महात्मा गांधी, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। इसके अलावा आपको और नारे याद हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद उपाधि, जैसे गुरुदेव की उपाधि किसको मिली है, रविन्द्रनाथ टैगोर को, किसने दिया, महात्मा गांधी। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को मिली है, किसने दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस तरह से ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। सौरमंडल से रिलेटेड बात, भूगोल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा बुध, निकटतम मतलब सूर्य के निकटतम ग्रह बुध, पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह वरुण, पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम ग्रह शुक्र, ठीक है, सॉरी वह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर था, और सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र, सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण, लाल ग्रह मंगल, इस तरह से कई चीज़ें यहाँ पर हैं, आप इनको याद रखिए, ठीक है। आगे चलेंगे, हिमालय श्रेणी की कुछ प्रमुख चोटियों के बारे में यहाँ पर पूछता है, तो माउंट एवरेस्ट आप सबको पता होना चाहिए, किस देश की मतलब किस देश में स्थित है, नेपाल और चीन, ठीक है। और कंचनजंघा ये भारत नेपाल, ये चोटी का नाम है, ठीक है। मकालू नेपाल, धौलागिरी नेपाल, नंगा पर्वत भारत, अन्नपूर्णा नेपाल, नंदा देवी भारत, ठीक है, कामेत भारत, नामचा बारवा भारत, और गुरला मंधता नेपाल, ठीक है। ऊंचाई भी दी गई है, तो आप चाहें तो ऊंचाई याद कर सकते हैं या फिर इनके देश को ही नाम याद रख लीजिए। फिर कुछ प्रमुख दर्रों के नाम यहाँ पर दिया गया, दर्रों से रिलेटेड क्वेश्चन भूगोल में पूछेगा, ज़रूर पूछेगा, याद रखिएगा। इसलिए बिना इसमें समय गंवाएं आप रात को 12-1 बजे तक जाग कर ही पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ ज़रूर लीजिए, ठीक है। फिर आपका अगला है संविधान समिति की कुछ समितियां एवं उनके अध्यक्षों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। तो अब मैंने इतना ही किया, यदि आपको और रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, मैं आपको के लिए जाकर एक आध वीडियो और बना दूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।